फंक्शन दिया हुआ है प्लेन वेव का, मुझे उसकी आइगन वैल्यू निकालो, या आइगन फंक्शन दिया रहे हैं तो मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन वैल्यू निकालो, मतलब आइगन फंक्शन। जैसे कि देखो आइगन फंक्शन, अब प्लेन वेव का क्या है, प्लेन वेव का या तो वो प्लेन वेव बोलेगा या तो वो प्लेन वेव नहीं बोलेगा, डायरेक्ट आइगन फंक्शन ही बोलेगा, और बोलेगा कि e to the power i kx और e to the power minus i kx, ये दोनों आइगन फंक्शन है और मोमेंटम ऑपरेटर का या मोमेंटम का तुम आइगन वैल्यू निकालो। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम जो हमारा p है वो क्या है, एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर का क्या होता है, माइनस आई एच का डी बाई डी एक्स, अगर मैं वन डायमेंशन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे तो वन डायमेंशन की बात चल रही है, तो ये क्या होगा, ऐसे होगा ऑपरेटर, ये सभी हम लोग जानते हैं। तो जब हम इस ऑपरेटर को इस पर अप्लाई करेंगे, मतलब क्या कर रहे हैं, मोमेंटम ऑपरेटर को हम अपना, ये मान लो कि एक साई प्लस आइगन फंक्शन है, ठीक है, साई प्लस, यही तो लिखने का तरीका होता है। ठीक, तो हमने इसको किसके ऊपर लगाया, इसके ऊपर लगाया, ठीक, इसके ऊपर लगाया, तो हमारा क्या मिला, पी ऑपरेटर क्या है, माइनस आई एच का डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, किसके ऊपर लगाया, साई प्लस के ऊपर लगाया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई एच का किसके ऊपर, डी बाई डी एक्स ऑफ इन टू द पावर आई के एक्स के ऊपर लगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इन टू द पावर आई के एक्स इंटू आई के इंटू माइनस आई एच कट होगा कि नहीं बताओ, होगा ना, तो माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इन टू पावर आई के एक्स इंटू एच कट के, एच कट के होगा कि नहीं, अब जब ये एच कट के होगा तो इसका मतलब वापस मेरा ये आ गया कि नहीं, एच कट के, या हम ये भी लिख सकते हैं कि टोटली हमारा क्या वैल्यू आ गया, टोटली हमारा जो ये ऑपरेटर था पी ऑपरेटर, उसके आइगन वैल्यू क्या आ गई, एच कट के, क्या आ गई, आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू क्या आ गई, एच कट के, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लेन वेव की एनर्जी क्या होती है, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई टू एम होती है, मोमेंटम क्या होता है, एच कट के होता है। तो इसका मतलब अगर ये कह दे कि आइगन वैल्यू निकाल, तो आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर वो आइगन फंक्शन दिया हुआ रहे तो। क्लियर है ना, किस ऑपरेटर का निकाले हैं, मोमेंटम ऑपरेटर, सिंपली ऐसा ऐसा कोई ऑपरेटर दे देगा वो तुम्हें, और तुम्हें इसका निकालना है, समझ में आ रहा है ना कैसे निकालते हैं। तो हम लोग आज थोड़ा सा इस ऑपरेटर्स को देखते हैं, और ऑपरेटर्स को अच्छा कैसे सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं ये भी हम देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं पोजिशन प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगी बताओ, हमारा प्लेन वेव था, ये कॉम्बिनेशन था, अगर मैं कभी बोलूं कि मुझे कॉम्बिनेशन लिखना है, यानी कि इफ आई से कि मुझे साई जो है वो पोजिशन और टाइम का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, यही तो होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक सिंपल प्लेन वेव का e टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, ए क्या है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है कि नहीं, और ये एक सिंपल सा साइन ऑफ एक्स ऑफ के टी है। तो ये क्या हुआ, अब अगर मैं बोलूं कि अच्छा ये एक प्लेन वेव है, ये क्या है, प्लेन वेव है, प्लेन वेव है, ठीक है, तो प्लेन वेव की एनर्जी क्या आएगी, मतलब एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई टू एम आएगी, और मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम आएगा एच कट के, आएगा कि नहीं बताओ, आएगा ना, अच्छा अब ये क्या है, अच्छा प्रोबेबिलिटी, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, याद रखना हम क्या कह रहे हैं, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा बताओ, पी हो जाएगा, पी हो जाएगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, साई ऑफ एक्स टी का, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ऐसे हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी ना, बताओ आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं, तो ये क्या हुआ, जब हम मैंने P लिखा तो मैंने ये कहा कि वो इंडिपेंडेंट है किसके, T के, दिस सिंस आई एम सेइंग पोजीशन प्रोबेबिलिटी, P को मैंने किसे डिनोट किया, पोजीशन प्रोबेबिलिटी, इसलिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन ऑन पोजीशन, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। तो इसका मतलब क्या है कि पोजीशन प्रोबेबिलिटी में हम अगर एक को डिफाइन कर रहे हैं तो दूसरा हमें प्रिसाइसली नोन नहीं है, क्यों नोन नहीं है, प्रिसाइसली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अगर मैंने ये कहा कि इफ आई एम सेइंग दैट माय मोमेंटम इज प्रिसाइसली डिफाइंड, अगर मैंने ये कहा, देखो कुछ कुछ लैंग्वेज समझो, अगर मैंने ये कहा कि पोजीशन इज प्रिसाइसली डिफाइंड, इसको रख करते हैं, नोट कर लो थोड़ा सा तो तुम्हें हेल्प मिल जाएगी, नोट करके इसको, करंट प्रोबेबिलिटी, जब हम J की वैल्यू बात करते हैं तो J का वैल्यू हम क्या निकालते हैं बताओ, साई स्टार डेल, अभी तो ये एक एक डायमेंशन में अगर निकालें, डी बाई डी एक्स ऑफ साई माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा एक साई हो जाएगा, डी साई स्टार बाई डी एक्स, और बाहर क्या रहेगा, बाहर क्या रहेगा बताओ, अब इसमें देखो दो पार्ट आते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आता है कि नहीं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट कौन सा होगा ये बताओ, जब तुम्हारे पास आई है और इस आई को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एक तुम्हारा इमेजिनरी टर्म आएगा, एक तुम्हारा रियलिटी टर्म आएगा, आएगा कि नहीं, तो उसी से तुम क्या सॉल्व करोगे, रियल और इमेजिनरी, पहले क्या
डेंसिटी है ना उसका, ये क्या होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का रियल वैल्यू, रियल पार्ट। सिंपली हम बोले कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज अगर मान लो कोई डायनामिकल वेरिएबल है, डायनामिकल वेरिएबल मान लो कि आर का निकालना है, आर क्या है, आर कॉम्बिनेशन है एक्स वाई जेड का, तो याद रखना कि आर जब हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि साई, या हम एक चीज और लिखो पी ऑफ आर टी का निकाल रहे हैं, ठीक है। अब पी ऑफ आर टी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साई स्टार आर टी आर और साई ऑफ आर टी डी आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, जैसा नो चलिए। अब ये आर है तो आर की जगह हम एक्स वाई जेड तीनों का भी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है, तीनों का भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेते हैं। हम सिंपल अगर ये कहें कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑपरेटर है, मान लो कि हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है सर, मोमेंटम ऑपरेटर है, ठीक है, तो मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, पी होता है, तो अगर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या निकालेंगे, हम सिंपली साई स्टार पी साई जी, ये हमारा एक्स टाइम्स का अगर होगा तो हम ये एक्स करते हैं, ठीक है। अगर उसने बोला कि एनर्जी ऑपरेटर का निकालना, फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी ऑपरेटर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालें, एनर्जी ऑपरेटर क्या होगा, टू स्क्वायर बाई टू एम, अगर वो फ्री पार्टिकल है तो पोटेंशियल तो उसमें होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि वन अपॉन टू एम टाइम्स इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पी स्क्वायर का। पी पी क्या होता है, पी जब सिंगली हम ऑपरेटर लेते हैं, पी जब हम सिंपली का ऑपरेटर लेते हैं तो क्या होता है, आई एच का डी बाई डी एक्स माइनस आई, तो पी स्क्वायर जब करेंगे ऑपरेटर का तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर टाइम्स, यानी कि ये तो तुम्हारा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एच का डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। जैसे कि ई ऑपरेटर जो होता है वो आई एच का डी बाई डी टी भी होता है, तो हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, समझ रहे हो, अगर मेरे को कहा गया कि ई का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल तो आई एच का डी बाई डी टी भी कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, ये भी इसकी ऑपरेटर्स की वैल्यू होती है तो इसका एक्सपेक्टेशन निकाल, क्लियर है। लेकिन हम इसको लगाएंगे, इन सबको लगाते किसके ऊपर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स को लगाते किसके ऊपर है, हमारे वेव फंक्शंस के ऊपर लगाते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, मोशन ऑफ वेव पैकेट्स पर। तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं डी बाई डी टी ऑफ आर एक्सपेक्टेशन वैल्यू का निकाल रही हूँ, इसका मतलब मैं किसका निकाल रही हूँ, पी बाई टू एम का, ठीक है, किसका निकाल रही हूँ, सॉरी पी बाई एम का, यानी कि इसका ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी आपके वेव पैकेट के लिए। तो यानी कि अब ये कैसे निकाल सकते हैं, मोमेंटम का निकाल रहे हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा माइनस तुम्हारा डेल ऑफ वी के, माइनस ऑफ डेल ऑफ वी, और ये चीज आप कहाँ से रही है, ये चीज आ रही है तुम्हारे न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये कहाँ से आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, आ रहा है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। अब x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, बीच में x को पुट कर देंगे, कर देंगे ना, x पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, बीच में x को पुट कर देंगे, तो निकल गया भाई हमारा x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, याद है, छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन जो बोल दें, तो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन क्या होती है, तो साई स्टार एम का साई एन का अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एम एन, डेल ऑफ एम एन, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, ठीक है। अब मान लो उसने एक क्वेश्चन दिया है कि तुम्हारे पास साई क्या है, कुछ इस टाइप का है, मतलब क्या कि एक पूरा का पूरा कांस्टेंट है और उसका एक्स स्क्वायर टाइम्स है, मतलब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इस टर्म में है, क्लियर है। तुम्हारे पास पोटेंशियल दिया है अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अल्फा जो है एक कांस्टेंट है, ठीक है, और साथ ही साथ उसने बोला है कि एनर्जी वैल्यू निकाली, मतलब एनर्जी आइगन वैल्यू निकाली, आइगन वैल्यू क्या है, क्यों, क्योंकि उसने आइगन फंक्शन तो दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन दे रखा है, तो कौन हेल्प करेगा मेरे यहाँ पर, बताओ, स्क्रोडिंगर इक्वेशन हेल्प करेगा ना, वो बड़ा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एच साई इज इक्वल टू ई साई, यही तो होता है, यही तो होता है, ठीक। और ये को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब माइनस एच का स्क्वायर बाई टू एम डी साई बाई डी एक्स, नहीं सॉरी,
क्या हुआ, डी टू, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इक्वल टू ई साई, ई साई होगा ना, तो ई साई ऑफ एक्स डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे घूम सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये हमारे पास साई है, तो पहले निकालो साई, ई साई बाई डी क्या होगा इसका, ई टू द पावर, ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस बीटा टाइम्स ऑफ टू एक्स, यही ना होगा, तो e टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बीटा टू बीटा इंटू एक्स, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल में और ये मल्टीप्लाई में, तो बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, क्या है डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, क्या हो जाएगा, एक तो ये e टू द पावर एक बार इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन ना कर देंगे, ठीक है, तो e टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू बीटा एक्स, ठीक है, इंटू एक्स, यही तो होगा, यही तो होगा ना, यही तो होगा ना, प्लस प्लस सेकेंड फंक्शन में करेंगे तो ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू वन, और सब कुछ मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ मल्टीप्लाई होगा माइनस टू बीटा से, क्योंकि वो तो पहले वाली का था, फर्स्ट टाइम फिर एक्स नहीं आएगा सर, एक में एक्स आएगा, एक में एक्स नहीं आएगा, यहां पहले किसका कर रहा है, एक्सपोनेंशियल कर रहा है, एक्सपोनेंशियल कर रहा है, हां तो फोर बीटा स्क्वायर इक्वल प्लस आ जाएगा, सुनो मेरी बात, फोर बीटा स्क्वायर क्यों लिखेंगे, अरे तो बाहर तो मैंने मल्टीप्लाई लिखा है ना, बाहर निकाल दें, क्योंकि वो तो पूरे के साथ ही होगा ना, वो तो पूरे के साथ ही होगा, अब बात तो बराबर ही है, अब तो मेरा क्या है, इस चीज को हमने उसमें पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है, तो करिए इसको पुट, क्या है माइनस एच स्क्वायर बाई टू एम, अब ये पूरा का पूरा पार्ट है, तो मल्टीप्लाई कर करके ही रुकाना पड़ेगा हमें, तो फोर बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा ये तो, माइनस टू बीटा ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी ऑफ एक्स, वी क्या है आल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या है ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई साई, साई लिख दो भैया, ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो भाई ये सारे के सारे बाहर निकाल के कैंसिल आउट करो, तो बचा क्या है यहाँ पे एच स्क्वायर बाय टू एम इंटू माइनस प्लस फोर बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू बीटा प्लस आल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वन ऑफ एक्स, एक्स का मान लो कि एक्स ऑफ टी का फंक्शन है, प्लस सी टू एफ ऑफ टू एक्स ऑफ टी का फंक्शन, ये मेरे पास कोई फंक्शन टाइम डिफाइंड है, ठीक। अब मैं कह रही हूँ कि ए जो है लीनियर ऑपरेटर, इसका मतलब क्या कि इस पूरे के ऊपर हम ए को अगर अप्लाई करें तो मेरा ए काम कैसे करेगा, ये मान लो कि अगर मैं सिर्फ वन डायमेंशन की बात कर रही हूँ, ओनली पोजिशन डिपेंडेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं सिर्फ सिर्फ पोजिशन डिपेंडेंट की बात कर रही हूँ, मान लो वो भी एक्स वन एक्स टू ना हो गया, एक्स ही ओनली पोजिशन डिपेंडेंट, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सी वन और सी टू क्या है हमारे कॉन्स्टेंट है, ठीक। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि ए मेरा लीनियर ऑपरेटर है, इसका मतलब सी वन ए एफ वन ऑफ एक्स प्लस सी टू ए एफ टू ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है अगर वो लीनियर ऑपरेटर। दूसरी चीज कम्यूटेशन अगर कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि कोई दो ऑपरेटर्स होंगे ए और बी, कोई दो ऑपरेटर्स होंगे, अब मैं ये कह रही हूँ कि दे आर कम डूइंग कम्यूटेशन, यानी कि ए बी माइनस बी ए, याद रखना, ठीक है, ये होता है कम्यूटेशन। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स ऐसे जाओ या ऐसे जाओ बराबर नहीं है, ऑपरेटर्स कोई रिजल्ट देंगे ही देंगे, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट अगर मैं कह रही हूँ कि दे आर कम्यूटेटिव, यानी कि कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स, कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स, कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स, यानी कि तुम कहोगे कि ये जो कम्यूटेटर की वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो होगी, यानी कि ए बी के ऊपर अप्लाई करे या बी ए के ऊपर अप्लाई करे बराबर जीरो होगा, यानी कि दोनों बराबर होंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दे आर कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स, समझ में आ गया। अगर मैं ये कहूँ कि आपका इनवर्स ऑपरेटर है एक, ठीक है, इनवर्स ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर एक हमारे पास इनवर्स ऑपरेटर, तो इनवर्स ऑपरेटर यानी कि ए माइनस वन, यही ऑपरेटर हुआ, तो याद रखना अगर इनवर्स ऑपरेटर को उसी ऑपरेटर के साथ अप्लाई कर दिया जाए तो हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर मिलेगा। ये क्या है, ये है आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू क्या होती है, प्लस वन। आइगन को तो हम किसी आइगन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या मिलती है, आइगन वैल्यूज, ठीक है,
अच्छा, अब सोचो कि हमारे पास एक ही आइगन वैल्यू है और ये बहुत सारे आइगन फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक जो आइगन वैल्यू है वो एसोसिएट हो रही है बहुत सारे आइगन फंक्शंस के ऊपर, तो हम क्या कहेंगे? आइगन वैल्यू किस टाइप के हैं, डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट है? व्हाट आई एम सेइंग कि आइगन वैल्यू is associated with many eigenstates. ठीक है, तो इस आइगन वैल्यू को या इस आइगन स्टेट को हम क्या कहेंगे? डीजनरेटिव आइगन वैल्यूज कहेंगे। कल डीजनरेटिव तुम क्या कहोगे? आइगन वैल्यू कहोगे, डीजनरेटिव आइगन वैल्यू। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एक ही वैल्यू पर उसको बहुत सारे स्टेट्स पे ऑपरेट करना पड़ा है। याद करिए, मैंने आपको डिजेनरेसी या नॉन डिजेनरेसी बताया भी था, तो इसका मतलब है कि वो डिजेनरेट है। और एक सिंगल, अगर सिंगल पर काम कर रहा है, एक सिंगल आइगन वैल्यू एक सिंगल ही आइगन फंक्शंस पे काम कर रही है, इसका मतलब वो क्या है? नॉन डिजेनरेट है। थोड़ा सा इसको लिख लो, फिर हम लोग ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो तो वो सेम ही वही ऑपरेटर आ जाता है। ठीक, यही तो बोलते हैं हम। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्लियर है? अब इसको हम एक इंटीग्रेशन में कैसे फॉर्म कर सकते हैं? इंटीग्रेशन फॉर्म में हर्मिशियन ऑपरेटर को कैसे लिख सकते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर को कैसे लिख सकते हैं बता? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब हर्मिशियन ऑपरेटर, मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन जब करते हैं हम ऑर्थोनॉर्मलिटी नॉर्मलिटी, तो हमने दो स्टेट्स कर लिया है, टू स्टेट्स एम और एन करके लेते हैं ना, दो स्टेट्स एम और एन करके लेते हैं। तो हम इसमें इसको दिखा रहे हैं, मान लो कि हम किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर पर अप्लाई कर रहे हैं। मान लो कि ये हम एम है, ए है, और यहाँ पर कोई स्टेट एन पर इसको अप्लाई किया है। ठीक, तो ये dx हो गया। अगर ये हर्मिशियन है तो इसका मतलब ये चीज बड़ी सेम टू सेम होगी, बराबर होगी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक, और फिर हम क्या करेंगे? इस a ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, माने कि हम ऐसा लिखेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फिर साइन ऑफ n dx। ये चीज इसके एक दूसरे के बराबर होगी अगर ये क्या है, ये एक आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है। लेकिन आप थोड़ा सा लिखो अपने से, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है तो क्या होगा? एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। तो एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर क्या कहता है भाई? कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालूं तो वो मेरा क्या होगा? ए के माइनस ए के बराबर, माइनस नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसको एक इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर को, तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। एक तो ये नॉर्मल सिंपल सा जिसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल के लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा होगा ये। लेकिन क्योंकि ये एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है, इसलिए ये किसके साथ आएगा? माइनस वैल्यू के साथ आएगा ना, माइनस वैल्यू के साथ आएगा। और साई एम ए नो हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं साई एन डी एक्स के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? एक एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। कैसे लिखे? मैं ये कह रही हूँ कि जो हर्मिशियन आइगन फंक्शंस हैं, हर्मिशियन आइगन फंक्शंस हैं, बिलोंग्स टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज। ठीक है, बिलोंग्स टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज, तो वो क्या हो जाएंगे? आइगन फंक्शंस ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। आइगन फंक्शंस क्या हो जाएंगे? ऑर्थोगोनल, या इस तरह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं ये बोलूं कि हर्मिशियन ऑपरेटर के जो आइगन फंक्शंस हैं, ये आइगन फंक्शंस जो है बिलोंग करते हैं डिफरेंट आइगन वैल्यू से। ठीक है, बिलोंग करते हैं डिफरेंट आइगन वैल्यू से। डिफरेंट आइगन फंक्शंस यानी कि साई एम, साई एन, साई एन के एल, कुछ भी लिख दो। ठीक, और उसके सबके अलग अलग डिफरेंट आइगन वैल्यूज आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो डीजनरेट बना रहा है? वो तो अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि ये उसके जिसके नतीजे पर हम ये कहेंगे कि ये जो सारे आइगन फंक्शंस होंगे, इसके आइगन फंक्शंस होंगे वो कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल। हमने क्या कहा था? डेल्टा एम। ठीक है, क्लियर है? तो ये दो नोट लिखिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सबका तो तुम ऑपरेटर लिख पाओगे। कोऑर्डिनेट का ऑपरेटर क्या है? वो ऑपरेटर खुद ही ऐसे लिखते हैं। अगर मोमेंटम का ऑपरेटर निकालना है तो माइनस आई एच का डी बाई डी एक्स। टाइम का ऑपरेटर निकालना है तो क्या होगा? डेल बाई डेल टी हो जाती है ना, आई एच का डेल बाई डेल टी हो जाती है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर निकालने को बोलूँ तो क्या हो जाएगा बताओ? मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। ठीक है,
तो अगर तुम एक काम और भी कर सकते हो, इस माइनस वन को बाहर भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी, अगर जी हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है, तो हम इसका एक चीज और लिख सकते हैं, ए बी का कम्यूटेशन सी के साथ, ठीक है। क्या करेंगे हम बताओ, यहाँ बी और सी को ले लो और साथ में ए का कम्यूटेशन कर दो, तो वो भी सेम होगा, बी सी हो गया, ए बी हो गया, तो क्या बचेगा, सी ए बचेगा, सी ए को कर दो और बी को अलग कर दो, तो ये तीनों क्या है, इक्वल होंगे। ये क्या है, कम्यूटेशन रिलेशंस, रिलेशंस, क्लियर है, ओके। अब मुझे एक और कम्यूटेशन निकाल के बताओ, कि मान लो डेल बाई डेल एक्स और डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, इनका कम्यूटेशन निकाल के बताओ, होमवर्क है, एक और कम्यूटेशन निकाल के बताना। अगर मेरे पास कोई नॉर्मल सा फंक्शन है, डेल बाई डेल एक्स और एक एफ ऑफ एक्स, अगर ये है तो ये दो क्वेश्चन करके बताना मुझे, इनका ये जो डी एफ ऑफ एक्स एक तो आएगा और एक क्या आएगा, डी साई बाई डी एक्स, दो फंक्शन बन गए ना यहाँ पर हमारे पास इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो क्या आएगा आंसर, ठीक है। चलो हमारे पास साई है, ठीक, तो अगर मैं साई वन और साई टू दो लिखूँ, तो डिराइव नोटेशन में क्या लिख सकते हैं, साई वन साई टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मतलब क्या, इधर साई वाला जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और ये वाला तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा इधर वाला, तो ये क्या होता है, ब्रा होता है और एक होता है कैट, तो ये वाला कैट है, ठीक। और तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक साई स्टार साई डीएक्स, याद है, तो ये क्या होता है, ऑर्थो ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल क्या हो जाती है, अगर आई और साई ऑफ जे है तो ये जीरो हो जाएगी, ऑर्थो नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम स्टेट के हो जाते हैं, तो आई जे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वन के बराबर हो जाती है। और अगर मैं कहूँ कि ऑर्थो नॉर्मल अगर कहा, तो इसका मतलब क्या कि साई ऑफ आई साई ऑफ जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, और ये क्या है, क्रोनेकर डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा बन जाएगा, डेल ऑफ आई जे इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे होगा तो वन हो जाएगा, आई इज नॉट इक्वल टू जे हो जाएगा तो ऑल टाइम जीरो होगा, यही तो होता है क्रोनेकर डेल्टा, ठीक है। सो These your what orthogonal functions, orthonormal functions हैं। अच्छा, अब eigen value equations क्या होती हैं? किसी भी operator को जब अभी हम किसी eigen functions के ऊपर apply करते हैं, तो eigen values निकलती हैं, ठीक? तो उसी को हम क्या कहते हैं? eigen function equation कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? eigen function। सबसे known eigen function equation क्या है हमारा? Schrödinger equation, जो कि कोई Hamiltonian operator को लगाते हैं तो energy eigen values निकलती हैं। तीसरा नोट लिखो कि अगर दो ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं, इफ टू ऑपरेटर्स कम्यूट्स ईच अदर, ठीक है, दो ऑपरेटर अगर एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब इन्हीं दो ऑपरेटर्स के जो आइगन फंक्शंस होंगे, आइगन कॉमन सेट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कॉमन सेट मिलेंगे, क्लियर। तो अगर दो ऑपरेटर्स हैं ए और बी और दोनों ऑपरेटर्स एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटर जो होगा इनका जीरो होगा, कम्यूट करने का मतलब यही होता है, तो कम्यूटेटर जीरो होगा, तो इनके जो आइगन फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, आपके क्या होंगे, आपके कॉमन सेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, निकालेंगे सी एन स्क्वायर इनटू लैम्डा एन, याद रखना है, ठीक है। इसको मैं चाह रही हूं, अगर ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाले तो मुझे पता है कि ये क्या हो जाएगा, समेशन एन, ये चीज याद रखें, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो हम निकालते हैं वो समेशन एन होता है किसके, सी एन मॉड के स्क्वायर के, हो जाएगा, यही सब पूछता है, इसे बाहर कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। सी एन वेव फंक्शन नॉर्मल है, हाँ, और क्यों, क्योंकि मैंने तो बोला था ना ये वेव फंक्शन जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन फंक्शंस के बनते हैं, तो मान लो ऐसा है तो ये सारे सी एन है, इन सब का एम्पलीट्यूड का प्लस होगा, तो ये इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी निकलेगी, या हम कोई इसके ऊपर कोई ऑपरेटर ए लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आइगन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होंगे, सम करेंगे तो उसकी वैल्यू निकलेगी, सिंपल, ये सारे छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, यही काम में आते हैं, याद रखने वाली बात है, ठीक है, कर लोगे।